आज के इस वीडियो में हम आपको मरकरी प्लेनेट यानी बुध ग्रह के बारे में बताएंगे, जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लेनेट है। यह सूरज के सबसे नज़दीक है। इस ग्रह के बारे में समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं जो सच नहीं है। बहुत सारे लोग कुंडली बना करके उसमें बुध ग्रह को प्रवेश करा करके पैसा कमाते हैं। तो आइए जाने कि साइंस अपनी रिसर्च में मरकरी प्लेनेट के बारे में क्या क्या बात बताती है। तो यह प्लेनेट सबसे चमकीला रंग बिरंगा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके आधे भाग में 10 मीटर डायमंड की एक परत चढ़ी हुई है, इसलिए यह बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। यह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। दिन के समय इसमें इतनी गर्मी होती है कि ये किसी भी चीज़ को भस्म कर देती है, और रात में इतनी ठंड होती है कि ये किसी चीज़ को जमा देती है। ये हमारी पृथ्वी से सूरज के डूबने के बाद दिखाई देने लगता है। बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। बुध ग्रह का एक दिन 176 दिन के बराबर होता है। इस ग्रह के आधे भाग में बहुत सारे रंग बिरंगे डायमंड जैसे पदार्थ चमकीले आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी पुकारते हैं। ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी के लिए कितना उपयोगी है, ये रिसर्च अभी बाकी है। अभी रिसर्च से पता चलेगा कि अल्लाह ने इस प्लेनेट को बनाने में क्या क्या ख़ास बातें बताई हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए ज़रूरी है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें।